मार्च 2020 में आई कोरोना संक्रमण की पहली लहर से देश भर में व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया था, जिसकी वजह से कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं डेढ़ साल गुजर जाने के बाद भी हालात लगभग वैसे ही हैं, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जिन्होंने व्यापार करने के तरीकों में बदलाव कर आगे बढ़ने की सोच ली है। हम बात कर रहे हैं हिसार के व्यापारी की, जिसकी रेडीमेड गारमेंट्स और जूते बेचने की दुकान है। इस हाईटेक जमाने में इंटरनेट का सही इस्तेमाल करते हुए ये दुकानदार फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मदद से ग्राहकों को सामान बेच रहे हैं। दुकान के मालिक का कहना है कि ऑनलाइन सामान बेचने में ज्यादा फायदा है, कोरोना की चपेट में आने की टेंशन नहीं है और ना ही कोई उधार का झंझट। और क्या कुछ कहना है दुकानदारों का, आइए सुनते हैं। हाँ सर, कुछ ना कुछ तो फायदा है सर, काम फालतू काम होने लग गया, थोड़ा ज्यादा काम होने लग गया ऑनलाइन से। अच्छा, कुछ ना बेनिफिट है सर ऑनलाइन में। तो फिलहाल हालत क्या है ऑफलाइन जैसे आप पहले बेचते थे? नहीं सर, उससे तो अभी कोई बेनिफिट नहीं है, बहुत ही कम काम चल रहा है ऑफलाइन तो। अच्छा। जैसे ऑनलाइन चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, ठीक है, बेनिफिट चल रहा है सर। क्यों कम है ऑफलाइन का? स्कूल स्टूडेंट है सर, कॉलेज नहीं चल रहे सर, स्टूडेंट है नहीं मार्केट में, तो काम कैसे चलेगा सर, तो ऑनलाइन ही प्रोवाइड करना पड़ता लोगों को। दरअसल पिछले लंबे समय से लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद थी, वहीं कोरोना के चलते लोग भी बाजारों में आने से कतराते हैं। विशेष तौर पर रेडीमेड गारमेंट्स व्यवसाय के ज्यादातर ग्राहक युवा हैं और ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्र, जो कि स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से नहीं आ रहे हैं, अब उन्हें इंटरनेट के जरिए सामान बेचा जा रहा है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि होलसेल के डीलर भी हमें कपड़ों के वीडियो और फोटो बनाकर भेज देते हैं। होलसेल का माल उठता है, वहाँ से वीडियोज और फोटोज आ रही हैं, तो वहाँ से वीडियो और फोटो मिल जाती है हमको, और जिस भी प्रोडक्ट की हमारे पास फोटो वीडियो नहीं होती वो यहाँ पे शूट हो जाता है, उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली, वीडियो बना ली, तो उसके बाद में जैसे जो भी प्लेटफॉर्म है हमारे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, उसके ऊपर डालते हैं। बंदे जो भी पूछता है, उसकी क्वेरी होती है साइज़ वगैरह की है, कलर वगैरह की है, वो बाकायदा उनको देते हैं हम। उसके बाद में जैसे नियरबाई का कस्टमर है हमारा, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट वे से, जैसे कोई गांव का कस्टमर है तो वैसे ही उनको मिल जाता है डायरेक्ट। वहीं दुकान पर कपड़े खरीदने आए ग्राहक का कहना था कि ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन कपड़े खरीदने का फायदा है, क्योंकि उन्हें दुकान पर आकर कपड़े की क्वालिटी का भी पता चलता है और साइज का भी कोई मसला नहीं रहता। ऑफलाइन में ज़्यादा फायदा था भाई साहब। हाँ, क्या फायदा था? ऑफलाइन में ये फायदा था, अपने अपने हिसाब से कपड़े देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, अपनी फिटिंग देख सकते हैं। हाँ। और अपने कोई जान पहचान होता है तो उधार भी कर सकते हैं, मैं बात तो ये होती है। अच्छा, और ऑनलाइन में क्या दिक्कतें हैं? ऑनलाइन में ये दिक्कत होती है भाई साहब, अपने जैसे कपड़े ले लिए, उसका एक ही कलर देते हैं, दो दे देते हैं, उसके बाद अपने ना तो फिटिंग में आते हैं या कोई और भी सुविधा जाता है। हालांकि दुकानदार ऑनलाइन व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सामान लेने के लिए शहर से बाहर भी नहीं जाना पड़ता और सामान बेचते समय उधार की भी कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि ऑनलाइन के जरिए पेमेंट सीधा उनके अकाउंट में ही आती है। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।